सोने के काम करने वाले एवं सोने का काम सीखने वाले मेरे प्यारे सजनों को मैं आज सोने की जो फालतू सामग्री इकट्ठी हो जाती है जिसे हम स्क्रैप कहते हैं, जैसे कोई अंगूठी बना ली जाती है उसके बाद जो सोना बच जाता है, या कोई हार बना लिया जाता है, या फिर कुछ भी बनाकर जब वो सोना बच जाता है तो उसे कैसे गलाया जाए, आज इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए, समझिए। सबसे पहले हमने एक कोयला लेना है। कोयला किक्कर का होना चाहिए, क्योंकि किक्कर के कोयले में एक खासियत ये है कि वो कभी भी धुआं नहीं छोड़ता, आग नहीं पकड़ता। उसमें वो सक्रा एक खड्डा सा करके उसमें यदि कम सोना है तो वो आसानी से मुंह की बत्ती से उसे, जिसे फूंकनी कहते हैं, उसे बांक नाल जिसे कहते हैं मुंह में डाल करके उसे मुंह से पिघलाया जा सकता है। कम से कम 5 से 10 ग्राम सोने का यदि स्क्रैप है तो अच्छी तरह उसमें गलाया जा सकता है। यदि उससे ज़्यादा सोना हो की मात्रा हो तो एक बड़ी भट्ठी में कुछ पत्थर के कोयले डालकर उसमें एक कुठाली रख देते हैं, एक गोल सी कुठाली, और जिसमें आग का कोई असर नहीं होता, और वो आग के जरिए उसमें रख करके उसमें कुछ स्वागत डाल दिया जाता है। स्वागत का रखने का मतलब यह है कि स्वागत सोने को पिघलाने में अच्छी मदद करता है। स्वागत को डाल करके अच्छी तरह उसको पिघला दिया जाता है। पिघलाने के बाद उसको एक लोहे की रेणी बोलते हैं जिसको, जिसमें 5-6 प्रकार के नलियां लगी होती हैं, 5-6 प्रकार के उसमें सांचे होते हैं जिसमें वो सोना डाल दिया जाता है, और उसके बाद वो ठंडा होने के बाद उसको बाहर निकाल लिया जाता है। धन्यवाद।